एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 53। वर्कशीट नंबर 53 में हमने क्या पढ़ना है बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ सर्कल। आपको पता है सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया क्या होता है, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। अब उनसे बेस उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, अ स्क्वायर ओ पी क्यू आर, ध्यान से देखना बेटा उसने क्या बोला, स्क्वायर ओ पी क्यू आर इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। किस में है बेटा, एक क्वाड्रेंट में है, जो जो कि ओ ए क्यू बी एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसकी रेडियस आपको दी हुई है 6√2 सेंटीमीटर, यहाँ पे √2 है बेटा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ध्यान से देखना बेटा, इसने बोला जो ये ओ पी क्यू आर, ये आपका क्या है स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका पूरा क्या है क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो जो आपका ये पोर्शन शेडेड है आपने इसका एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखना बेटा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगी, पूरे क्वाड्रेंट्स में से जो ये स्क्वायर है इसको क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, यानी कि पूरे क्वाड्रेंट के स्क्वायर में से स्क्वायर का एरिया क्या कर दूँ, माइनस। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 6√2 पाई आपकी एज इट इज। थीटा, अब ये क्या है मेरे पास क्वाड्रेंट है, तो थीटा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कर दो वैल्यू पुट, 9 1 9 9 4 36, 4 9 जा तो कितना बन गया 18 पाई। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 22/7, डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 396.7/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, ये ओ क्यू क्या है, रेडियस ऑफ दिस सेमी, रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट सर्कल। तो ये रेडियस है, तो बेटा ध्यान से देखो ये क्या है, डायगनल है इस स्क्वायर का। और ये आपको पता है स्क्वायर के जो ये एंगल होते हैं सारे के सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो कौन सी ट्राइंगल, नहीं राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6√2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 6 का जब स्क्वायर करोगे 36, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, यहाँ से कितना आ गया 2+2। हमने जो स्क्वायर है उसके साइड को एक्स माना, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है एक्स, तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स आ गई, तो कितना आ गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर। ये 2 वहाँ जाके डिवाइड में, तो कितना आ गया 36, और एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की, देखो बेटा आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ चुका है, एरिया ऑफ स्क्वायर आ चुका है, कर दो वैल्यू पुट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आया, 396/7, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आया 6, 6 साइड कितनी आई 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। जब मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट की तो यहाँ से एलसीएम लिया, कितना आ गया 396 - 252, विच इज़ इक्वल टू 194/7, इट मीन्स 20.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। आपको ये फिगर गिवन है, इस फिगर के अंदर आपने क्या करना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। अब उसने क्या दिया है, स्क्वायर की जो ये स्क्वायर है उसकी साइड आपको कितनी दे रखी है, 12। ध्यान से देखना बेटा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर मैं निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, इस स्क्वायर में से आपको पता है जो स्क्वायर होता है वो कितने का होता है बेटा, उसका हर एंगल 90 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90। तो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है। तो अगर स्क्वायर में से ये क्वाड्रेंट का एरिया क्या कर दूँ, माइनस, तो मेरा शेडेड पोर्शन बच जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर -4, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है, इसलिए 4 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, और स्क्वायर की साइड आपको कितनी गिवन है, 12 का स्क्वायर -4 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालोगे तो 90/360 क्या आ जाएगा, 90/360 × πr² जब इसको ओपन करोगे तो 4, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लिख दी πr² / 4। यहाँ से वैल्यू ओपन की 144 -336 × π आपकी क्या आ गई, क्योंकि r r रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से, अगर ये पूरी की पूरी साइड 12 है तो इसका आधा है, आधा कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और पाई की वैल्यू क्या है 3.14 एज इट इज़, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया, ये आपका आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। नाउ मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इन द फिगर, ये वाली फिगर है बेटा आपकी, अबकी बार इस वाली फिगर में क्या कह रहा है, शोन अ सेक्टर ओ ए पी, क्या दिया हुआ है, एक सेक्टर दिया हुआ है ओ ए पी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ, और कंटेनिंग एंगल थीटा, जिसके अंदर जो ये एंगल है ये कितना है थीटा। ए बी इज़ प्रपेंडिकुलर टू द रेडियस, ए बी प्रपेंडिकुलर है रेडियस पे, जो कि ओ ए एन मीट्स ओ पी, ओ पी से मिल रहे हैं, इनको बढ़ा दिया जा रहा है, तो
प्रूव दैट द पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, तो मेरे को प्रूव करना है कि इसका पैरामीटर मेरे पास ये होगा, ठीक है। अब आते हैं आपके सॉल्यूशन पे, देखो कैसे। पैरामीटर का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। पैरामीटर क्या मतलब होता है, टोटल ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि तीनों साइड्स को प्लस कर दूँ क्या, ए बी प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी पी प्लस आर्क, कौन सी आर्क, ये वाली आर्क, ठीक है, क्योंकि शेडेड ये वाला पोर्शन है ना, तो बी पी प्लस ए बी और ये वाली आर्क, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा, जब मैं इस वाले आर्क की वैल्यू निकालूंगी तो वी नो दैट टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी। तो जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, टेन थीटा अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ यहाँ से, तो टेन थीटा इज़ गिवन टू बी। टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर इज़ गिवन टू बी ए बी, और रेडियस आपके पास कितनी है यहाँ से आर, तो ए बी बाई आर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, आर टेन थीटा। तो यहाँ से अगर सेक थीटा निकालोगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा इज़ गिवन टू बी वन बाई कोस, कोस इज़ गिवन टू बी परपेंडिकुलर बेस, आपके पास ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से वैल्यू निकालूंगी तो हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, ओ बी, ओ बी बाई ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाई आर, कितना आ गया यहाँ से, ओ बी बाई आर। इट मीन्स जब यहाँ से जब मैं ओ बी की वैल्यू निकालूंगी तो डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आर सेक थीटा। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, ए पी पी ए की, पी बी की वैल्यू, तो पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ओ बी माइनस ओ पी, ओ बी माइनस ओ पी। जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालूंगी तो क्या आ जाएगी, ओ बी की वैल्यू अभी आपने निकाली आर साइन सेक थीटा, एंड दिस वी नो दैट दिस इज आवर रेडियस, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, आर सेक थीटा माइनस आर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आर्क ऑफ ए बी, यानी कि इस वाली आर्क की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो बेटा, यहाँ से जो ये वैल्यू होती है क्या होती है, अगर मैं आर की वैल्यू को लेंथ ऑफ आर्क मैंने निकालनी हो तो यहाँ से कैसे निकलेगी, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। तो 2 से ये कैंसिल आउट होके कितना आ गया, 180, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई डायरेक्ट थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। तो पैरीमीटर अगर निकालूंगी तो मेरे पास क्या था, ए बी, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, आर टेन थीटा कर दो पुट, और यहाँ से ओ बी की वैल्यू, पी पी की वैल्यू कितनी आई है, आर सेक थीटा, और माइनस यहाँ से जो ये रेडियस है ये आपकी कितनी है, इसमें से क्या माइनस कर दूंगी, आर, और साथ में लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि ये इट मीन्स पाई आर थीटा बाय 180। तो आर इनमें से कॉमन लिया तो जो आपको चाहिए वही आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 53।